उत्तराखंड पिथौरागढ़ की डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हम दारचूला पे हैं और ये जो नदी है ये काली नदी है, उसके पास दारचूला है जो नेपाल में पड़ता है। आदि कैलाश जाने के लिए आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा जो हॉस्पिटल से बनता है, और आपको परमिट भी बनाना पड़ेगा जो धारचूला के तहसील से बनता है। धारचूला शहर तीन देशों की सीमाओं को जोड़ता है, भारत, नेपाल, तिब्बत। कैलाश जाने के लिए हमने टैक्सी हायर कर ली है क्योंकि वहाँ प्राइवेट गाड़ी जाने में प्रॉब्लम पड़ सकती है। गाइस, मैं आपको अपनी इस वीडियो में गुंजी कुटी रोंगकोंग गांव पार्वती सरोवर भीम की धान की खेती ओम परवर आदि कैलाश के दर्शन कराऊंगी। अभी हमें कैलाश मानस सरोवर द्वार पे यहाँ से हमारी आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। हम है तपोवन में, यहाँ पे धौली गंगा पावर स्टेशन है। ये देखिए पहाड़ और काली नदी की कलकल की आवाजें। मन को बड़ा सुकून दे रही है। देखिए नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ों से निकल रहा है झरना। निकलने पर पहला स्टॉप तवा घाट है, जहाँ पर धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है। धौली गंगा दारमा से और काली नदी काला पानी जगह से निकलती है और यहाँ पर मिलती है। यह है काली नदी और यह है धौली गंगा जो आपस में यहाँ पर मिलती है। हम जहाँ पे खड़े हैं ये मालपा गांव है। बहुत साल पहले यहाँ आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों का मुख्य पड़ाव हुआ करता था। सर 1998 में यहाँ पे भयंकर लैंड स्लाइड आई थी रात के 3 बजे, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ये पूरा गांव नष्ट हो गया। गाइस, अभी हम हैं बूंदी पे। देखिए गाइस, यहाँ काफ़ी ठंड है इसलिए हम सबने स्वेटर और कैप पहन ली है। वो देखिए आगे बर्फ का पहाड़। और वहाँ आगे देखिए बर्फ भी गिर रही है, वहाँ बहुत कोल्ड वेदर है। गाइस, बूंदी में कितने सुंदर सुंदर होम स्टे बने हैं। इन्हें इग्लू का आकार दिया गया है। इग्लू बर्फ के घर को बोलते हैं। बूंदी एक छोटी सी जगह है, यहाँ आपको खाने पीने की और रहने की जगह मिल जाएगी। अभी हम छिया लेक पे हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आदि कैलाश जाने वाली सभी यात्रियों की चेकिंग होती है, इसीलिए यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये काफ़ी हाइट में है और यहाँ बहुत कोल्ड है, इसीलिए यहाँ लाइट की व्यवस्था के लिए सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। और देखिए यहाँ की ब्यूटी, वाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस, 10 मिनट की चेकिंग में पूरा मौसम चेंज हो गया। जो मैंने आपको बर्फ के पहाड़ दिखाए थे वो भी छुप गए हैं और बहुत तेज से बारिश हो रही है और यहाँ काफी ठंड हो रही है और बर्फीली हवाएं भी चल रही है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है। देखिए यहाँ कितनी सारी भेड़े हैं।
अभी हम गर्भियांग चौकी पे हैं, यहाँ फिर से चेकिंग हो रही है। कोई भी मिलता है भाई, ठीक है? और भाई कैसा है? अगली बार आपको ये पीछे एरिया दिख रहा है, ये गुंजी बेस कैंप है। यहाँ से आदि कैलाश की डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और उसके पीछे गुंजी का गांव है। गाइस अभी हम गुंजी के पास में ही हैं। यहाँ नामजुंग दंग की पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ के लोगों के इष्ट देवता हैं, जो शिव का ही अंश हैं। जो ये आपको घर दिख रहे हैं, ये पत्थर पाथर और मिट्टी के बने हैं। कैलाश जाते समय आपको एक पड़ाव मिलेगा जिसका नाम है नाभी। नाभी एक खूबसूरत सी जगह है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ आपको रहने के लिए बहुत सारे होटल्स और होमस्टे मिलेंगे और यहाँ आपको देखने के लिए बहुत खूबसूरत सी बर्फ की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी। अभी हम नाभी पे ही स्टे करेंगे और कल हम आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा पहाड़ है। खड़े हैं नावी के अपोजिट साइड, देखिए गाइस वो एक गांव है, रोंगटोंग गांव। रोंगटोंग गांव जाने के लिए आपको बीच में नदी है, उसे पार करके जाना पड़ेगा। हम कुटी गांव में हैं। पांडव अपनी माता कुंती के साथ इस गांव में आए थे, इसीलिए इस गांव का नाम कुटी पड़ा। ये गांव चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से ढका है। आइए मैं आपको ये गाँव दिखाती हूँ। गुंजी से कुट्टी की डिस्टेंस 19 किलोमीटर है। मेरे भैया को आर्मी अंकल ने अपनी गोद में ले लिया है। ये आपको पांच पर्वत की आकृति दिख रही है, ये पांडव हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ अभी भी पांडव विराजमान हैं। और ये जो आपको पर्वत दिख रहा है, पार्वती मुकुट है। देखिए गाइस आगे जोलीगांव बेस कैंप है और उसके बगल में हेलीपैड है और नीचे देखिए गाइस नदी है। और फाइनली हम आदि कैलाश में पहुंचे हैं। ये देखिए ये आदि कैलाश है, हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है कि यहाँ की धरती में कण कण में शिव जी हैं। यहाँ यह मान्यता है कि जब भोलेनाथ जी की शादी हुई थी तब उन्होंने अपने गणों के साथ यहाँ विश्राम किया था। यहाँ से मैं आपको अपना 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक दिखाऊंगी। यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है जो 2.5 किलोमीटर है। हम 17,000 फीट की ऊंचाई में हैं। हमारी तो सांस फूलने लग गई है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। नाना जी वैभव
और पापा काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं और मेरी मम्मा बहुत थक गए हैं। दिखाऊंगा पार्वती माता का मंदिर। जय माता दी। पार्वती माता का माइके है और यहाँ पार्वती माता स्नान करती थी। ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शर्वारुकमे वंदनम नित्योर्मुक्षीयम अमृता। Again.